झरिया मातृ सदन में गर्भवती महिला की मौत होने पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मातृ सदन में रविवार देर रात इलाजरत गर्भवती महिला की मौत हो गई। गर्भवती महिला की मौत हो जाने से परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। झरिया के बनियाहिर हुसैन नगर निवासी मोहम्मद दानिश की लगभग 29 वर्षीय पत्नी सबाना प्रवीण को उनके परिजनों ने पेट में दर्द होने के बाद 24 फरवरी को मातृ सदन में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज डॉक्टर कृष्णा अग्रवाल की देखरेख में चल रहा था। मृतक महिला 5 महीने की गर्भवती थी, जहां रविवार की देर रात इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिससे परिजन आक्रोशित हो उठे और अस्पताल में हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच मामले को शांत करवाया। वहीं परिजनों का कहना है कि भर्ती मरीज दर्द से रात भर कहराती रही, मगर कोई नर्स या डॉक्टर नहीं सुने। भर्ती के समय डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी होने की बात कही थी। बच्चा पेट में है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी कराना पड़ेगा, 5 महीने का बच्चा है तो पूछे डॉक्टर से तो हो जाएगा, थोड़ा एकदम हो जाएगा, आप इसको भर्ती करिए। हम लोग भर्ती कर दिए उसको यहाँ पे 24 तारीख को यहाँ पर भर्ती किया है। उसके बाद फिर वो लोग अपना वो लोग क्या दवाई चलाया नहीं चलाया, चलाने के बाद रात में बहन दर्द से पूरा कराते रही, मगर कोई भी नर्स नहीं सुना। बहन बोलती रही कि हमको बहुत दर्द है, मगर कोई नर्स नहीं सुना। उसको बोला क्या आप सो जाइए, सो जाइए। यहाँ तक कि हम यहीं रात भर सोए हुए थे, हमको भी नहीं बुलवाया। दूसरा दिन भी आए हम सुबह, बहन से पूछे कैसी है बाबू, तो बोलती है भैया रात भर कह रहे हैं हम दर्द से, बोलते रहे पर कोई नर्स नहीं सुना। सबाना परवीन बाहर का नाम है।